चीन के पास स्थित एक छोटा सा देश ताइवान पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति करता है। ताइवान वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप हब है। अगर सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन बंद हो गया तो समझ लीजिए दुनिया की रफ्तार थम गई। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, सेटअप बॉक्स, ई व्हीकल, मेडिकल मशीनें, इलेक्ट्रिक प्रिंटर, फिंगरप्रिंट, फेस रीडर मशीन सब में ताइवान में बनी चिप्स का यूज होता है। ताइवान का सिंचू शहर इसका केंद्र है। यहाँ के साइंस पार्क में लगभग 180 सेमीकंडक्टर चिप कंपनियां हैं और उनके प्लांट हैं। ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी TSMC भी यहीं स्थित है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है। यह बात अलग है कि ताइवान को अलग देश के रूप में अब तक मान्यता नहीं मिली है। केवल 12 छोटे देश ही ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चुंगते 20 मई को शपथ लेंगे। वह चीन के कट्टर विरोधी और पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि अगर वह राष्ट्रपति बने तो ताइवान को दुनिया में एक अलग देश का दर्जा दिलवाएंगे।